देखो जी, बाबा के पुलिस बड़ी दयालु है। अरे सलीम चाचा ने कल ही तो लड़के छेड़ी थी, बेचारे को आज ही प्रसाद दे दिया। पूरा मामला क्या है वीडियो में आगे जानेंगे, पहले इन शांति दूतों से मिलो। अगर हम अपने औकात पे आ गए तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। अभी जो गाजा स्ट्रिप में जो लोगों को हो रहा है, गाजा स्ट्रिप से बाहर निकाल रहे, यही हाल कश्मीर में हिंदुओं को हुआ। आपको क्या लगता है, अच्छा हुआ कि नहीं, बुरा हुआ? जो हिंदू थे और वो मुसलमान वहाँ के साथ दिए, उनको वो एकदम बाहर नहीं निकाल दिए, बल्कि मुसलमान वहाँ रहकर साथ दिए और वो एक हो गए। यस बेबी यस, यू आर राइट। कश्मीर के मुसलमानों ने वहाँ के पंडितों का खूब साथ दिए थे, जैसे कि उनको मारने में साथ दिए थे, उनका नरसंहार करने में साथ दिए थे, उनका घर से पलायन करने में साथ दिए थे। इसराइल को ये खबर दें कि वो फौरन बंद कर दे, वरना उनके इससे खबर लेंगे कोई खाने को मोहताज हो जाएंगे, कुत्ते के मौत की तरह मारे जाएंगे। तो मोदी कर रहे हैं, मोदी साहब हमारे और हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, ये फौरन बंद कर दे, वरना एक वक्त ऐसा आएगा जो फिरौन और हमान शद्दाद इन तरह की कैसे लाशें आज मिस्र वगैरह में पड़ी हुई है, इनका भी यही हाल। देखो बेटी, इजरायली चाचा नेताराम साहू का तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। और जहां तक बात रही मोदी जी की, कि मोदी जी का ही ऐसा हस्तक्षेप करोगे तो बोल सकते हो, भौंक सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी के ऊपर तुम भौंक सकते हो कुछ भी, लेकिन ध्यान रहे बाबा जी के ऊपर ऐसा मत भौंक देना। वो चाल बदल देते हैं अगले दिन, चलने देखने सोचने समझने का सबको नज़रिया बदलवा देते हैं दूसरे ही दिन। आज मान लीजिए उनके ऊपर भौंकोगे, दूसरे ही दिन चाल बदलेंगे। आपको पता, अगर जंग भी हो जाती है तो पाकिस्तान में मुसलमान कितने, 22 करोड़ या 25 करोड़? हाँ इतने हैं, बाकी कुछ क्रिश्चियन 35 करोड़ उधर है। बिल्कुल है, लेकिन वो अंदर से उनके साथ नहीं है, अंदर से वो पाकिस्तान के साथ उनकी दुआएं होती है। अच्छा, हाँ। ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? बस कह सकता हूँ, कई हमारे बड़े जानने वाले, वो इधर नहीं आते, उनका दिल पाकिस्तानी वहाँ के साथ मुसलमानों के साथ अटकता है। हिंदुस्तान में चाचा के जानने वाले बहुत है। चाचा की मुस्कुराहट बता रही है कि चाचा सच ही बोल रहे हैं। गद्दारों का दिल जो है वो अपने नाजायज पप्पा के लिए, नाजायज अब्बू जान के लिए धड़कता तो होगा ही, मैं मानना पड़ेगा, इस चाचा की बात मानना ही पड़ेगा। और जंग हुई तो किसके साथ जाएंगे कहने की जरूरत नहीं है, अब्बू के साथ ही जाएंगे। मेरी कौम का मुसलमान भाई जहाँ का होगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि जिस दुनिया के कोने में रहेगा वो मेरा भाई है, जो इस्लाम वाला होगा। पाकिस्तान का मतलब नहीं है, पाकिस्तान का मतलब नहीं है, पाकिस्तान का तो सर वो तो दुश्मन देश है, होगा दुश्मन। हो गया जी, लो जी, विश्वास भी हो गया, उदाहरण भी आपके सामने ही पेश हो गया। अब इस चाचा ने जो मुस्करा कर बोला था वो बात सही हो रही कि नहीं? मान गया चाचा, साथ देंगे तुम्हारा ही। मस्जिद में खड़े होके मौलाना साहब जुम्मे के दिन ऐलान कर, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। आधा घंटा पौन घंटा जुम्मे के दिन यही बयान करता, फिर आखिर में बोलता, मस्जिद के लाइट का बिल अब के 6,000 रुपए आ गया, जरा जाते जाते जरा अच्छा डाल के जाओ। हाँ अभी बोला अल्लाह से मांगो, फिर 6,000 रुपए बंदों से मांग रहा। देखो जी, ऐसा करने वाला मौलाना और ऐसा बताने वाला भी मौलाना, और कमेंट करने वाले मौलाना नहीं, कमेंट आप लोग ही कर रहे हैं, तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि सच्चाई क्या है। लेकिन मजा बहुत आया इसके बातों में। पर मैं इंडिया में आया हूँ, 2 दिन हो गया, बहुत प्यार मिला है, और ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया हूँ। पर आपको मैं सही बात बताऊँ, इंडिया पाकिस्तान सेम सेम, बिल्कुल यही गड़ी, बिल्कुल ऐसी अंडर ब्रिज, यही लोग, यही। देख पोर्की ब्रो, तूने जो नारा लगाया जय श्री राम, जो तूने बोला भाई, तेरे देश में शायद कुछ लोगों की जली होगी, कुछ लिमिटेड लोगों की, लेकिन हमारे यहाँ के गद्दारों की सुलग रही होगी, मतलब कोयले जैसा जल गया होगा। एक जलन होता है, एक जल जाना तुम्हारे इस नारे से। तू खैर टेंशन मत ले, तू इंजॉय कर, स्टेडियम में नारा लगा, जहाँ मन करे वहाँ तू नारा लगा सकता है, जला सकता है सबके। अब मानते हैं या नहीं मानते कि इंडिया चांद पर गया? सर सबसे पहली बात है कि इंडिया तो चांद पे चला गया है, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? वो जन्नत में तो हम जाएंगे, हम मुसलमान। अरे वाह जेंटलमैन, पगला ठोपे का मतलब तुम मुसलमान हो तो तुम जन्नत जाओगे, और हमारे यहाँ के मुसलमान आलू छीलेंगे क्या? एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ के मुसलमानों के पास बहुत पैसा है, जन्नत तो यही जाएंगे, और तुमसे जल्दी। अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। ये दोनों अपने अपने असली रूप में आ गए हैं। ओ भाई रुको, सब्र करो थोड़ा, आने दो समय,
ये और जो पार्टियां मिलकर ये ममता बानो केजरीबानो ये जो भी हैं सब अपने अपने असली रूप में आएंगे, अंत में देख लेना सब चुनाव अकेले ही लड़ेंगे और वोट देंगे ये सब मोदी को। जय श्री राम भाई। दोस्तों वीडियो देखकर तो मामला आप लोग समझ गए होंगे कि एक कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बच्चे ने स्टूडेंट ने जय श्री राम का नारा लगाया और सामने बैठे स्टूडेंट ने भी लगाया। इतने में ही डॉक्टर ममता गौतम भड़क गए, बेचारे बच्चे को स्टेज से उतार दिया उन्होंने। फिर क्या था, फिर उत्तर प्रदेश की प्रशासन, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट, इनका नशा उतार दिया। मेरा नाम डॉक्टर ममता गौतम है, मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना है ना कभी होगी। मोहतरमा जी थी तो ठीक था, होगी नहीं इसकी मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ कि दोबारा ऐसा तो नहीं होगा तुमसे। दिल का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे जुबान पे जय श्री राम के नारे का विरोध ना बाबा ना नहीं को आना। वालेकुम, मेरा जो सवाल जो है हटके है, जो कि दो चचेरे भाई है और चचेरे भाई की पोती और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? चचेरे भाई की, चचेरे भाई की पोतरी और मेरे बच्चे को कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह करेगा। चचेरा भाई आपका, चचेरा भाई की, हाँ सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर सकते। लो जी, इधर भी चाचा का काम बन गया, कर सकते हो चाचा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चाचा जो भाई भतीजा ये वो ये सब प्रचंड किए, इन्होंने बताया समझाने के लिए कि इनको करना उनको करना, ऐसा नहीं। असल में और असलियत यही है कि इनको ही कबूल कबूल खेलना है, बस बताने का तरीका भाई डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना। दोस्तों शुरुआत में मैं जब आपको वीडियो दिखाया था कि भाई उनका इलाज हो चुका है, तो एक मोहम्मद मुरसलीम नाम का एक व्यक्ति, अधेड़ व्यक्ति है, जो एक गली में जा रही थी लड़की उसको छेड़ता है। ये सब हरकत सामने लगे घर में CCTV में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद क्या था, पुलिस प्रशासन तक ये वीडियो, बुलंदशहर का मामला है, बुलंदशहर की पुलिस ने उसी हाथ को तोड़ा जिस हाथ से इसने छेड़ा था, उसी हाथ को तोड़ के जहाँ देना था दे दिया। अब देने के बाद वहाँ का भी चाल ढाल थोड़ा बदला है। अब इनके साथ आगे क्या होगा, अगर कुछ होता है मुन्ना भाई तक आता है तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। मिलाकर देखा जाए तो इसने जो छेड़खानी की, जो छेड़छाड़ इसने की, इसके साथ बुलंदशहर की पुलिस ने छेड़छाड़ कर दिया। और ये छेड़छाड़ आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ओवरऑल वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, एक एक क्लिप के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हर क्लिप कुछ ना कुछ कहती है। और आप भी कहिए, मुन्ना भाई के साथ जुड़ने के लिए चैनल को करना होगा आपको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो कि एकदम होता है फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।